स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। न्यूज एंड व्यूज में आज का टॉपिक है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और उसमें मौजूद डार्क पैटर्न्स, जिसे लेकर सरकार अब काफी गंभीर हो रही है। उससे निपटने के लिए गाइडलाइंस तय की जा रही हैं। यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में डार्क पैटर्न से निपटने के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी की हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डार्क पैटर्न्स हैं क्या। दरअसल 4G आने के बाद मोबाइल और इंटरनेट पर लोगों की डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ गई है। लोग बहुत ज़्यादा समय अब ऑनलाइन बिताते हैं और ज़्यादातर शॉपिंग भी आजकल लोग ऑनलाइन करने लगे हैं। ऐसे में बिजनेस करने वाली कंपनियां अपने प्रचार प्रसार के लिए इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का खूब इस्तेमाल करती हैं। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं। 2010 में हैरी ब्रिग्नॉल ने डार्क पैटर्न शब्द का ईजाद किया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने प्रोडक्ट पर किसी यूज़र का ध्यान खींचने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाना, जिसके बाद यूज़र उन प्रोडक्ट्स को ना चाहते हुए भी धीरे धीरे चाहने लगे और कंपनियों की इन ट्रिक्स के जाल में उलझकर वो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी पसंद करने लगे जो उसके लिए नुकसानदेह हैं। इस डार्क पैटर्न में कई तरह की ट्रिक्स आती हैं, जैसे ड्रिप प्राइसिंग, डिसगाइज्ड एडवर्टाइजिंग, बेट एंड क्लिक, च्वाइस मैनिपुलेशन, फॉल्स अर्जेंसी और प्राइवेसी कंसर्न्स। एडवर्टाइजिंग की ये पूरी प्रोसेस कंज्यूमर के दिमाग में एक अर्जेंसी का भाव, यानी तुरंत फुरत डिसीशन लेने या अपनी पसंद बनाने का भाव पैदा करती है, जिससे वो जल्दी से ख़रीदारी करे या इस संबंध में कोई एक्शन ले। जाहिर है कि जब कोई जल्दी में डिसीशन लेगा तो उसके ठगे जाने की संभावना भी ज़्यादा होगी। डार्क पैटर्न का यूज़ करते हुए वेबसाइट्स यूज़र के कार्ट में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ऐड कर देती हैं, जिसके बारे में यूज़र को कोई खबर भी नहीं होती। इसे बास्केट स्नीकिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में कंज्यूमर को एक खास पसंद बनाने पर जोर दिया जाता है और ऐसा न करने पर उसमें एक अपराध बोध की भावना भी पैदा कर दी जाती है, जैसे कि उस चीज़ को न चुनकर उसने कोई गलती कर दी है। यूज़र को उन तमाम चीज़ों को करने के लिए बाध्य किया जाता है जो वो नहीं करना चाहता, जैसे किसी सर्विस के लिए पहले मैंडेटरी साइन अप करना। इसमें यूज़र को किसी एक्शन के लिए बार बार कहा जाता है, भले ही वो एक्शन कैसा भी हो। ये प्रोसेस बार बार होती है, झुंझलाने वाली होती है, इसमें शिकायतें होती हैं, आलोचना होती है, लेकिन कंपनियां ऐसा करती हैं। यूज़र एक बार साइनअप करने के बाद किसी सर्विस को ले तो लेता है, लेकिन जब कैंसिल करने की बात आती है तो कैंसिलेशन की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है या कैंसिल होता ही नहीं है। बेट एंड स्विच भी इसी जालसाजी का एक नमूना है। इसमें दिखाया कोई एक प्रोडक्ट जाता है जबकि डिलीवरी किसी दूसरे प्रोडक्ट की जाती है। किसी प्रोडक्ट की कीमत कम करके दिखाई जाती है, जिससे यूज़र अट्रैक्ट होता है। जब वो फाइनल डिसीशन करता है तो फिर तमाम अन्य हिडन चार्जेस उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अक्सर लोग रिव्यू पढ़ते हैं या रेटिंग्स देखते हैं, लेकिन इन रिव्यूज़ या रेटिंग्स को ही मैनिपुलेट करके कंज्यूमर को मिसगाइड कर दिया जाता है और इस तरह उसकी ऑटोनॉमी को नुकसान पहुँचाया जाता है। प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस उसकी वसूल की गई कीमत से कम होती है और ऐसा करने से यूज़र को फाइनेंशियल लॉस होता है। कंज्यूमर का डेटा लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म्स को दे दिया जाता है, जिससे कंज्यूमर की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत में ऑनलाइन स्पेस ने अच्छी खासी ग्रोथ देखी है। 2021 तक इंटरनेट कनेक्शंस की संख्या बढ़कर 830 मिलियन तक हो चुकी है और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि 2030 तक भारत की कंज्यूमर डिजिटल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2020 में ये $537.5 बिलियन थी। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएं जो डार्क पैटर्न को कंट्रोल करने वाली हों। लोगों की बढ़ती शिकायतों और फ्रस्ट्रेशन के बीच डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कैब और टू व्हीलर टैक्सी सर्विस एग्रीगेटर्स को समन किया और उनसे उनके चार्जेस और एल्गोरिदम पर क्लैरिटी लाने की सख्त हिदायत दी। इसके साथ ही फेक रिव्यू की समस्या से निपटने के लिए एक कंसल्टेशन ग्रुप भी बनाया। फिलहाल आज की स्थिति में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे मसलों या मिसलीडिंग एड्स पर एग्जिस्टिंग लॉस से ही निपट रही है। किसी कंज्यूमर को गलत जानकारी देना, उसे मिसगाइड करके अपना प्रोडक्ट बेचने जैसी धोखाधड़ी से निपटने के लिए फिलहाल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 काम कर रहा है, जो ऐसी एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है।
डार्क पैटर्न से निपटने के लिए पूरी दुनिया में रेगुलेटर्स और सेल्फ रेगुलेटर्स कदम उठा रहे हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हो रहा है, जो डार्क पैटर्न या मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस को पकड़ने में सक्षम है। व्यापार बढ़ाने या अपने हित साधने के लिए कंज्यूमर्स को किसी भी तरह बाध्य नहीं किया जाना चाहिए और न ही उन्हें ऐसी प्रैक्टिसेस में उलझाना चाहिए जो उनकी डेटा प्राइवेसी के लिए खतरनाक हो सकती हैं। नियम या कायदे कानून बनने में समय लगता है, ये लगातार चलने वाली एक प्रोसेस है, लेकिन इन सब के बीच कल्चर ऑफ कंज्यूमर रिस्पेक्ट एंड मीनिंगफुल इंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिशें होती रहनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।